अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बना रहे हैं गाजर का, जो शादियों में बनने वाला गाजर का हलवा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं और बहुत आसान रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा। और पहला गाजर, और उसके लिए शक्कर, दूध, घी, इलायची पाउडर, काजू बादाम, पिस्ता, चारोली। चलो हम बनाना शुरू करेंगे। पहले मैंने ये गाजर को पूरा धोकर इसको कपड़े से पूरा साफ करके पोंछ कर ले लिया है। अब इसको हम खीरित कर लेंगे। ये हो गया है पूरा, इसको निकाल कर फेंकेंगे हम। एक गाजर का इतना सा निकला है ये, और दो गाजर बचे हैं वो भी इसको हम ऐसा खिरच कर लेंगे। ये हो गई है पूरी, जो मैंने पूरी इसको अच्छे से खिरच कर ले ली है। अब हम कढ़ाई को गर्म करके लेंगे। बिस्मिल्लाह, कढ़ाई पूरी गर्म हो गई है अच्छे से। अब इसमें हम घी डाल कर लेंगे। इसमें हम काजू बादाम पिस्ता चारोली अच्छे से घी में थोड़ा हल्का हल्का सा लाल करके लेंगे। ज़्यादा एकदम ज़्यादा डार्क लाल नहीं करके लेने का, हल्का हल्का सा हो गया। इसको निकाल कर लेंगे। अब यही घी में हम जो पूरा गाजर हम डाल कर लेंगे इसमें। अब इसमें हम जो पूरा घी में गाजर को अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। नीचे पर पूरा घी में हम पूरा नीचे पर करके लेंगे ये। कम 3-4 मिनट तक इस पर प्लेट ढक कर रखेंगे, घी में अच्छी तरह उसको पूरा फ्राई होने तक। इसको हम चेक करेंगे, इसको हो गए हैं 4 से 5 मिनट पूरे। अब हम इसमें डालेंगे जो ये दूध, इसमें थोड़ा भी पानी बिल्कुल नहीं मिला, पूरा दूध है। अब जो दूध पक पक कर पूरे इसमें जो जैसा मलाई छुड़ती वैसा पूरा जो गाजर में हम पूरा गाजर में मिक्स होता है, जैसा दूध पकते रहता है उतना उसका पूरा टेस्ट गाजर में आता है। ये तो अच्छी तरह हम पकने के लिए इस पर ढक कर रखेंगे। पूरा अच्छे से पक रहा है और इसको हम थोड़ा पकने के, दूध पूरा पक चुका है और थोड़ा थोड़ा है, इसको भी हम अच्छी तरह पूरा पका कर लेंगे। पूरा मलाई मलाई दूध की हो गई है। अब इसमें हम शक्कर डाल कर लेंगे। शक्कर को पूरा हम अच्छी तरह गाजर में और दूध में अच्छी तरह इसको मिक्स करके लेंगे। शक्कर डाल को और थोड़ा उसको पकाने का रहता है, क्योंकि शक्कर का पानी छूट जाता है उसके लिए। अब
और इस पर हम ढक कर रखेंगे प्लेट। पूरा जो शक्कर डाली थी उसका जो पानी पूरा छूट गया था और पानी भी पूरा सूखने को आ गया है और इसको थोड़ा सा पकाने का है। माशाल्लाह दिखने में इतनी अच्छी दिख रही है, बहुत टेस्ट बनी है। और इसको थोड़ा पकाने का है और जो दूध पूरा अच्छे से एकदम मलाई छोड़ दिया है। ये जो पूरा पानी सूख गया है और इसमें हम डालेंगे जो काजू बादाम पिस्ता पूरे इसमें मिक्स करके लेंगे। हो गया है, इसको निकाल कर लेंगे। हो गया है पूरा बनकर, माशाल्लाह इतना अच्छा रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।